हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोदरेज कंपनी की पूरी कहानी, जिसका प्रोडक्ट आज हर घर का हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, इस कंपनी की शुरुआत ताला बनाने से हुई थी, लेकिन आज कंपनी ने बहुत सारे प्रोडक्ट बाजार में लाया है और इसीलिए यह हमारे घरों का एक अनोखा हिस्सा बन चुका है। इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि गोदरेज कंपनी का नाम गोदरेज क्यों पड़ा। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में गोदरेज कंपनी की पूरी कहानी। आज की कहानी की शुरुआत होती है साल 1894 में आर्देसियर गोदरेज नाम के एक व्यक्ति से, जो एक फार्मा कंपनी में जॉब किया करते थे। वे इस जॉब से खुश नहीं थे, क्योंकि बाकी लोगों की तरह ये भी बिजनेस करना चाहते थे। एक दिन उन्हें जॉब करते समय गलती से कैंची गिर जाता है और टूट जाता है। जब वह बाजार में कैंची खरीदने पहुंचते हैं, तो बाजार में उन्हें कैंची उपलब्ध नहीं रहने के कारण नहीं मिलता है और उन्हें बहुत डांट पड़ती है, जिसके बाद उनके माइंड में कैंची बनाने का आइडिया सूझा। लेकिन बिजनेस करने के लिए उनके पास पैसा नहीं रहता है। वह उस समय पारसी समाज के सेठ मेरावान जी मुचेर जी कामा से उधार में पैसा लेकर ब्लेड और कैंची बनाने का काम शुरू करते हैं। लेकिन कुछ साल के अंदर उनका यह बिजनेस ठप हो जाता है, क्योंकि वह अपने प्रोडक्ट बेचने का जिम्मा एक ब्रिटिश कंपनी को सौंपे थे। दोनों में इस बात से कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है कि आर्देसियर गोदरेज अपने प्रोडक्ट पर मेड इन इंडिया लिखना चाहते थे, लेकिन इनके बाद से ब्रिटिश कंपनी सहमत नहीं थी, जिस वजह से आर्देसियर गोदरेज को इस बिजनेस को बंद करना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। पहला बिजनेस बंद होने से यह बहुत दुखी थे। तभी उनकी नज़र अखबार में मुंबई में हुई चोरी पर पड़ता है, जिसके बाद उन्होंने फिर से एक नया बिजनेस ताला बनाने का आइडिया आता है। 1897 में गुजरात और मालाबार से 12 कारीगर लाकर मेड इन इंडिया ताला बनाने का काम शुरू किए। उन्होंने एंकर नाम से ताला को बाजार में लॉन्च किए और साथ ही उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाए कि हर ताले की चाबी एक दूसरे से अलग है, कोई दूसरा चाबी किसी ताले को नहीं खोल सकता। लेकिन चोरी होने के कारण हर लोग घरों के लिए और अपने दुकान के लिए ताले खरीदने लगे। देखते ही देखते बाजार से खूब अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा और इनका यह बिजनेस चल पड़ा। पहली सफलता के बाद इन्होंने अलमारी बनाने का निर्णय लेते हैं, जिस अलमारी को आसानी से ना तोड़ा जा सके और ना ही इसमें आग का प्रभाव हो। जब बाजार में अलमारी को लॉन्च किया गया, तब लोगों ने ताले से भी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और जब किसी को लेना होता था, तब लोग कहते थे आर्देसियर गोदरेज के बनाए अलमारी ही खरीदो, क्योंकि उनका बनाया अलमारी बहुत मजबूत रहता है। और इसी कारण से बाजार में आर्देसियर गोदरेज के प्रोडक्ट को गोदरेज से लोग जानने पहचानने लगे। अपनी बड़ी सफलता के बाद कंपनी ने धीरे धीरे बाजार में तरह तरह के प्रोडक्ट लॉन्च की, जैसे सोप, हेयर कलर, लिक्विड डिटर्जेंट, रूम फ्रेशनर, हैंड वॉश, मॉस्किटो रिपेलेंट और बहुत कुछ। आज गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट सेल्स की बात की जाए तो 62 बिलियन रुपीस तक 2021 में पहुंच चुका है। भारत के अलावा 90 देशों में प्रोडक्ट बेचा जाता है। दोस्तों, आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।